क्या नाम है आपका? सोनाली मौर्य। सोनाली, और आपका? गरिमा मौर्य। सपना कुमारी। रिमझिम मौर्य। रिमझिम, चलो बहुत बढ़िया। सोनाली, आपसे शुरू करते हैं, चारों लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध जो था वो कब प्रारंभ हुआ था, शुरुआत कब हुआ था उसका? 1945, 1946, 1991 या 1939 में? 1946 नहीं, 1945 में हुआ था क्या? आई डोंट नो। 1945 कोई क्लियर कर दो मुझे। हाँ, 1945। 1945 है ना? 1945। यस सर। है ना? या। हाँ, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो इन बच्चों के लिए। ठीक है, तो शीत युद्ध जो था वो प्रारंभ हो गया था 1945 में, है ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आंसर बने या ना बने, मैंने पहले ही बोल दिया ना, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ पे देखो, सन वाला ही ज़्यादातर क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, शीत युद्ध वाले में, इस फर्स्ट चैप्टर में। हाँ, अप्रैल 1949 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? अब मुझे ये बताओ, नाटो बना था या फिर सीटो बना था? नाटो। बहुत बढ़िया भाई, इंटेलिजेंट, सही है, हो गया। बैठ जाओ। डर क्यों लग रहा है? डरना नहीं है, है ना? हाँ, आ जाओ। अच्छा, अब गोरा गोरा आएगा, है ना? मेरा काला आ जाता है, अच्छा नहीं लगता। देखो, क्या नाम है आपका? कल्पना मौर्य। कल्पना, और आपका? खुशबू मौर्य। हाँ, खुशबू मौर्य। खुशबू, चलो बहुत बढ़िया। ये देखो, दोनों ही फ्रेंड हैं और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, क्लास 12th के, राइट? यस सर। हाँ, चलो आप लोग मुझे ये बताओ कि वारसा पैक्ट कब हुआ था? 1955 में हुआ था या फिर 1956 में हुआ था? 1955। यस, 1955। यस सर। क्लैपिंग करो, बहुत शानदार, है ना? बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। देखो, अभी तक दो क्वेश्चन पूछे, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तीन क्वेश्चन पूछा गया, तीनों सही था, और चौथा यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, क्या नाम बा? अंजलि पटवा। और आपका? रिंकी मौर्य। काजल मौर्य। अफशाना। चलो, अफशाना और अंजलि, सभी लोग, आप सभी फ्रेंड हो, बहुत अच्छा, है ना? आप लोगों से भी कर लूँ? नहीं करूँगा तो नाराज़ हो जाओगे, है ना? हमसे क्वेश्चन ही नहीं किया इसने। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961। मतलब जो आंसर बताए, कूद कूद के बताओ। क्या बात है भाई, बहुत शानदार, क्लैपिंग कर दो, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर, ठीक है? बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांस ने किया था या फिर सोवियत संघ ने किया था? सोवियत संघ। क्या बात है भाई, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं यार। चंद्रगुप्त मौर्य, क्या नाम है स्कूल का? श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज। हाँ, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, वाकई जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है इनको ना, पूरा इनके माइंड में बैठ गया है, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग कर दो, बहुत शानदार। बैठ जाओ। हाँ, आ जाओ इधर। अरे, बिना बताए खड़े हो जाओ, मतलब बिना कहे, है ना? और आप भी, क्या नाम है आपका? मेरा जूली नाम है। जूली। हाँ, और आपका? खुशबू पासवान। देवी कुमारी। हाँ, देवी। अरे, आप लोग तो एकदम छोटे बच्चे दिख रहे हो, जैसे छठवीं सातवीं के आ जाते। हाँ, वैष्णवी दुबे। वैष्णवी तो बोल रही, मेरा भी पूछ लीजिए, हम भी है। ठीक है, बच्चे ऐसे ही होने चाहिए ना। क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में हुआ था या फिर 1950 में हुआ था? 1962। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो, बहुत शानदार, सही है। मतलब यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लो फिर। करिए। अरे, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सोवियत गुट से है या फिर अमेरिकी गुट से है? सोवियत गुट से है। बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग कर दो, बहुत शानदार। कौन पढ़ाता है अच्छा ये सब्जेक्ट? अशोक सर पढ़ाते हैं। यस, काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। यस सर, है ना? यस सर। मतलब पूरा कंठस्थ हो गया है, पूरा याद हो गया है।
और डेट अपने आप में याद करना एक बड़ा अचीवमेंट की बात है, बहुत अच्छी बात है ना, आप लोगों को याद है, बहुत बढ़िया। फिर वो रिवीजन करवा देते हैं हम लोग को, ये और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। अभी हम लोग करवा रहे हैं तो वो तो डबल रिवीजन हो गया समझो। यस सर। बताओ क्या नाम है? रीना मौर्य। अंजू। अंजू चलो आपको भी खड़ा करूँ, रहने दूँ? रूपा। चलो रूपाली। शर्मा तो ऐसे रहे जैसे, अरे खड़े हो गए क्या? गोल्डी मौर्य। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग भी खड़े हो गए। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से भी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? फ्रांस ने किया था या फिर ब्रिटेन ने किया था? फ्रांस। फ्रांस ने किया था। बढ़िया है, क्लैपिंग कर दो सभी लोग। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुआ कौन था? अमेरिका था या फिर यूरोप था, जर्मनी था, कौन था, या फिर सोवियत रूस था? फंसा दिए ना हम। सोवियत। नहीं था सोवियत संघ, अब बताओ। हाँ रूस। रूस भी नहीं था, अमेरिका था। उधर से आंसर बता रही हैं वो, कौन था? अमेरिका था, है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्लैपिंग कर दो इन बच्चों के लिए। मेरा काला मत करना, इनका काला कर देना। नहीं ठीक है अच्छा भैया, थोड़े देर के लिए इनको भी गोरा कर देना। धड़कने आपकी कितनी, हार्ट बीट कितनी है अभी? हार्ट बीट कितनी है? वैसे तो नॉर्मली 72 रहता है, है ना, लेकिन अभी कितनी है? 100, 150, 200? बहुत सर जी चाहते हैं। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुआ कौन था, रूस था या फिर फ्रांस था? रूस था। रूस था। भाई क्या बात है, बढ़िया है, जोरदार क्लैपिंग। तो एक और क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, आप लोग बताइएगा, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किस से है? शीत युद्ध से है या फिर विश्व युद्ध से है? विश्व युद्ध से। मार दो अनियारे तीर। आप बताओ। शीत युद्ध से है। हाँ क्या? हाँ हमें नहीं मान, ईमानदारी देखो, सुनने के बाद भी हमें नहीं क्वेश्चन नहीं यार, तो इसलिए बोले हाँ बोल दिए। ठीक है,